मीन स्क्वायर का बेसिक फंडा बता देता हूँ क्या है। एवरेज क्यों नहीं चलती और रूट मीन स्क्वायर क्यों चलती है। एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अगर हम सिर्फ v ऐड करते हैं, स्क्वायर नहीं करते, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि आधे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, आधे नेगेटिव है, बिकॉज डायरेक्शन की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है नेट एवरेज जीरो ही आ जाए, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, चलो जी काम खत्म, तो सही रिजल्ट नहीं देगी। तो फिर किसी ने क्या रिजल्ट निकाला, वो कहते हैं पहले तो वेलोसिटी के आप स्क्वायर कर दो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बनाओ उसे स्क्वायर करके, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो किसी की ज्यादा है किसी की कम है, हर की बराबर कर दी, पर क्योंकि एवरेज स्क्वायर की निकली है, अब अंडर रूट लो, अब वो सही वेलोसिटी देगी आपको। ये एक्चुअल तरीका है एवरेज निकालने का इस केस में। अब डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, माइनस का कोई चक्कर नहीं, एवरेज एकदम सही आएगी मैग्नीट्यूड में, ये चलती है, ठीक है ना। मतलब ये एक एवरेज वैल्यू के साथ काम हो रहा है, आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन नहीं सकते, लाखों करोड़ों है यार, हर की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो मेरे पास क्या तरीका है, हम तो यही करेंगे ना कि v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन, और वैसे कायदे से बनती इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से निकलेगी वैसे, पर हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे, हम अपने डेरिवेशन के अंदर एवरेज एवरेज करते जा रहे हैं, बस एक ही वेलोसिटी मान के चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इंटीग्रेशन बेस्ड ही रिजल्ट्स हैं। हम एसी में जैसे प्लस टू में करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं आरएमएस वेलोसिटीज, तो वो अलग तरीका है करने का। हाँ, वैसे आप जो सोच रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हर की वेलोसिटी क्योंकि डिफरेंट है, है ना, तो फिर एक एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी। अब बिल्कुल वैसे ही, जैसे मेरी एवरेज, मेरी वेलोसिटी 10 है, आपकी 20 है, आपकी 30 है, 40 है, कि आपकी -30 है, -40, -10 है, तो क्या करेंगे यार, हम तो बस सभी का मिला लेंगे, स्क्वायर करके उसका मीन लेके अंडर रूट निकाल लेंगे, तो इतनी एवरेज चलती है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, रिजल्ट सही आते हैं इससे। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, कह रहा है चार तो पार्टिकल है टोटल, इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे, चार पार्टिकल है, चारों की वेलोसिटी उसने दे दी 2, 4, 6, 8, तो कह रहा है एवरेज वैल्यू निकाल दो, तो चारों का एवरेज लो डिवाइडेड बाय 4 आंसर, रूट मीन स्क्वायर निकाल लो, सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लो, बाय 4 करो, अंडर रूट लो आंसर, तो रूट मीन स्क्वायर भी आ गया और एवरेज भी आ गया, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इफ 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज 0.5, 1 एंड 2, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड, अगेन आरएमएस स्पीड में क्या होगा, इन वेलोसिटीज का स्क्वायर बाय 3 का अंडर रूट, एवरेज में क्या होगा, इन्हें ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, और फिर अगर रेशियो निकालनी है दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ गई। जैसे नेक्स्ट है, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी, अब एसटीपी यूज कर दिया और मॉलिक्यूलर वेट 32 है, एसटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का 1.01 × 10^5, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, और वी का मतलब है 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो आरएमएस का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, 3RT/m, आर अगर आर है तो कैपिटल है, मॉलिक्यूलर मास आएगा, मैंने आरटी की जगह 1 मोल की जगह पीवी कर लिया, तो पी पता है, वी पता है और एम पता है आंसर, तो ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी इज वी, तो आरएमएस स्पीड वी है जब टेम्परेचर टी है, अगर टेम्परेचर को डबल कर दें और ऑक्सीजन गैस को डिस एसोशिएट कर दें इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, अब डिस एसोशिएट होने से क्या होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास एम है तो एम बाई 2 हो जाएगा, 32 है तो 16 हो जाएगा, तो चेंज इन आरएमएस स्पीड निकालो, और आरएमएस स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, तो इसके अंदर आरएमएस स्पीड ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एट टेम्परेचर 2T कह रहे हैं, टेम्परेचर को तो डबल कर दो, मास को क्या कर दो, एटॉमिक में हाफ हो जाएगा, तो वी आरएमएस वी डैश बन जाएगा, तो वी डैश और वी को डिवाइड करोगे, या यहाँ से 2 × 2 अंडर रूट 2 बाहर आ गया, ये आरएमएस वी है, तो 2 times आरएमएस हो जाएगी वी आंसर, मास आधा कर दिया और टेम्परेचर डबल कर दिया। नेक्स्ट है, एट वॉट टेम्परेचर इज द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47°C, तो कह रहे हैं कि इसमें आर एम एस वेलोसिटी को इक्वल करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक का टेम्परेचर टी और एक का 47 है, तो H2 का आर एम एस को इक्वेट करना है किसके साथ, O2 मॉलिक्यूल की आर एम एस के साथ इक्वेट करना है, और इसके अंदर मास कितना है H2 का 2, टेम्परेचर निकालना है टी, ऑक्सीजन का मास कितना है मॉलिक्यूलर 32 और टेम्परेचर 47 गिवन है, इक्वेट कर दिया आरएमएस आरएमएस,
सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, तो आरएमएस को आरएमएस के साथ इक्वेट किया, फिर आंसर ए का टेम्परेचर गिवन है, एक का निकालना है। ठीक, नेक्स्ट
तो कैलकुलेट दी टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेनिंग द सेम। तो कह रहा है कि इस केस में क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो मान लो टी वो टेम्परेचर है जब वेलोसिटी आरएमएस की वीटी हो जाती है, और डबल कब, जब उसका टेम्परेचर कितना था 27। तो आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर 27 है तो टेम्परेचर 27 केल्विन में, और जब टी डिग्री सेल्सियस है तो फिर वेलोसिटी वीटी हो जाएगी। पर वो कह रहे हैं वीटी जो है वो 2 टाइम वी एट 27 है, तो यानी कि इनकी रेशियो कितनी है 2, तो टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ इज गिवन। तो आपको CO2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 0 पे, डेंसिटी गिवन है और साथ में प्रेशर गिवन है। फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30। देखो आपको जब प्रेशर और डेंसिटी पता है कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आरएमएस का ये फॉर्मूला भी तो हमने किया था अंडर रूट ऑफ 3P/ρ, पी पता है, रो पता है आंसर, तो वेलोसिटी 0 पे तो आ ही गई। पर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वेलोसिटी एट 30, टेम्परेचर एट 30, वेलोसिटी एट 0, टेम्परेचर एट 0, तो ये रेशियो आपको पता है। तो यहाँ से वेलोसिटी 0 पे पता है आपको और वेलोसिटी 30 पे कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इस? ये सारे फॉर्मूलास हमने किए हुए हैं आरएमएस के, ये मैंने आपको करवा दिया था कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की क्या होती है 3/2 kT, पर मोल की क्या होती है 3/2 RT, पर ग्राम की क्या होती है, ये करने की जरूरत नहीं है, जब पर मोल आ गई तो पर ग्राम तो आप निकाल लोगे एम से डिवाइड करके, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मोल का यूज करना है रिजल्ट, टेम्परेचर गिवन है, तो आपको के पता है, एन पता है, वैसे तो ये लंबा कर दिया मैंने क्योंकि पर मोल के लिए 3/2 RT यूज कर लेना था, वो यूज करना है, तो आर की वैल्यू तो हमें याद ही होती है, टेम्परेचर हमें वैसे ही पता है, आंसर आ गया। मैंने अननेसेसरी पहले गैस कॉन्स्टेंट को बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट की फॉर्म में और एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में किया, लंबा रिजल्ट आ गया, तो आप सीधा 3/R2 में आर को सीधा 8.31 पुट करोगे, सीधा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट सो एज टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बताओ कि एवरेज वेलोसिटी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मोल नहीं कहा, तो मॉलिक्यूल की 3/2 kT, तो एवरेज जो एनर्जी होती है 3/2 kT और मस्ट बी इक्वल टू एस्केप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है 1/2 mv² वेयर वी इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 11, तो यहां से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। वेसल ए कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो बी के अंदर जो वॉल्यूम है वो ए से डबल है, कंटेन्स सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम है, कंपेयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वर्ड के लिए 3/2 kT, अब बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, हर गैस के लिए सेम है, 3/2 भी सेम है, टेम्परेचर भी कह रहे हैं सेम है, तो ए पार्ट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम है, चेंज ही नहीं होगी। ठीक है यहां तक,
बी पार्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल निकालो। अब रूट मीन जो स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें क्या यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 RT/m। तो कैपिटल एम क्योंकि सबका डिफरेंट है चाहे टेम्परेचर सेम है, तो रूट मीन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास पता है 32, हाइड्रोजन का 2, आंसर रेशियो आ गई। थर्ड पार्ट है इसी में, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैसेज इन ए एंड बी एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है। तो जब प्रेशर की कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, जब प्रेशर की कैलकुलेशन है आप इसके अंदर प्लीज गिवन करो, यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन मासेज ऑफ गैसेस, मासेज ऑफ टू गैसेस आर सेम, गिवन करो गिवन मास ऑफ टू गैसेस आर सेम। सी पार्ट में गिवन मास ऑफ टू गैसेस आर सेम। देखो मास में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, एक होता है मॉलिक्यूल का मास छोटा एम, मैंने ये नहीं कहा मॉलिक्यूल का मास सेम है दोनों का, एक होता है बड़ा एम मॉलिक्यूलर मास, मैंने ये भी नहीं कहा मॉलिक्यूलर मास सेम है, एक होता है सिर्फ गैस का मास 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, वो मास सेम है। 15 ग्राम अगर एक गैस की है, 15 ग्राम दूसरी गैस की है, तो तीन तीन मास चलते हैं, पूरी गेम ही इसमें मास की है, मास ही तो ध्यान से देखने वाला है इसमें। तो कह रहे मास दोनों गैसेस का सेम अमाउंट कर लिया मैंने। अब प्रेशर के लिए तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता है एवरेज प्रेशर का, 1/3 ρV² वेयर वी इज वी आर एम एस और एम का मतलब मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। अब क्योंकि मास ऑफ गैस तो सेम है तो प्रेशर आरएमएस की स्पीड का स्क्वायर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रेशर हाइड्रोजन का, प्रेशर ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वी आर एम एस हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी हाइड्रोजन का स्क्वायर वॉल्यूम हाइड्रोजन। वही इसको एम को तो हटा ही दिया ना, मास सेम है। तो इसके अंदर वेलोसिटीज की रेशियो हमने निकाल ली है, ऊपर कितना रेशियो आया था 4:1, इसका स्क्वायर 16:1, और वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन की डबल गिवन है, हाइड्रोजन से क्वेश्चन में गिवन है आंसर, ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से आंसर आएगा ठीक। नेक्स्ट
two perfect gases at absolute temperature T1 and T2 are mixed, there is no loss of energy. Mix kiya gases ko koi energy ka loss nahi hai. Mixture ka temperature nikal do aur masses of molecules are M1, M2 and number of molecules are N1 moles nahi hai. Number of molecules N1, N2 hai. Ab before mixing, jab aapne mix nahi kiya to ek gas ki energy kitni hai? 3/2 kT ek molecule ki. Kitne molecules hai? N1. तो एक गैस की एनर्जी आ गई, ऐसे दूसरे गैस की एनर्जी आ गई बिफोर मिक्सिंग. मिक्स करने के बाद 3/2 kT, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N1 प्लस N2. इन्हें इक्वेट कर लेते हैं. इक्वेट करो इनिशियल और T का मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. इक्वेट करके T आ जाएगा. वैसे ये बुक्स में शॉर्टकट लिखा हुआ है N1 T1 प्लस N2 T2 बाय T1 प्लस N1 प्लस N2. आंसर T आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये फिर से रिपीट हो गया गलती से. यह क्वेश्चन ये रिपीट है, क्रॉस कर दो ऐसे चाहे. 155 नंबर शीट जो है वो हमने नेक्स्ट टाइम करनी है, आज नहीं करनी, नया टॉपिक है तो आज जितना किया उसी पे करेंगे. 155 नहीं कर, 156 156 आज मिली होगी आपको, ये आज मिली आपको, चेक करो. तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें वही मॉलिक्यूल लीक वाला है. मॉलिक्यूल कितने लीक हो गए, सेम है, किया हुआ है हमने. यहां से शुरू करेंगे. इफ मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ्ड, किसका मास हाफ किया? एक मॉलिक्यूल का अगर मास छोटा m होता है तो हमने छोटे m बाई 2 कर लेना है. गैस का मास नहीं, मॉलिक्यूल का मास, ठीक, हाफ किया. देयर स्पीड डबल्ड, स्पीड को मैंने डबल कर दिया. रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर निकाल लो. देखो फॉर्मूला तो एवरेज प्रेशर का लगना है. एवरेज प्रेशर में वी क्या होता है? आरएमएस होती है. और डेंसिटी क्या होती है? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. मैं फिर कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ. वो कह रहा था कि आपने पूरी डेरिवेशन में कैपिटल एम यूज किया, मॉलिक्यूलर मास नहीं. वो इसलिए यूज किया था क्योंकि गैस 1 मोल गिवन होती थी. अगर 1 मोल नहीं गिवन, इसमें कौन सा गिवन है? तो ये गैस का मास है. तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, रूल नहीं है, जब गैस का मास होता है तो मैं मास लिख लेता हूं. अगर मॉलिक्यूलर मास है तो कैपिटल एम लिख लेता हूं. अगर मॉलिक्यूल का मास है तो छोटा एम लिख लेता हूं. अगर 1 मोल गैस है तो फिर गैस का मास और मॉलिक्यूलर मास सेम कर लेता हूं. रूल समझ में आ गया? तो यहां पर डेंसिटी का मतलब टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. तो एक काम करते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल एम है और एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. हमने किया था ये रिजल्ट. तो उसने क्या कहा कि मॉलिक्यूल का मास सेकंड केस में आधा कर देना है और आरएमएस को डबल कर देना है वेलोसिटी को. इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करेंगे, पी डैश और पी की रेशियो आ जाएगी आंसर. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट में ये गिवन है, RMS velocities of molecules in a sample of helium. तो helium के अंदर जो RMS velocity है is 5/7 that of molecules in a sample of hydrogen. तो helium के अंदर जो RMS है 5/7 times hydrogen. तो आपको hydrogen का temperature 0 given है, आपको helium का temperature निकालना है. तो helium के लिए molecular mass 4 है और hydrogen के लिए 2 है. Squaring करके कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, टू इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फिल्ड इन अ वेसल्स ए एंड बी. ठीक है, तो दो इक्वल मासेस को फिल कर लिया. वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, तो बी का वॉल्यूम ए से डबल है. फाइंड प्रेशर रेशियो इन वेसल ए एंड बी. तो एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बात पक्की है.
और डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम पुट करेंगे, आरएमएस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय बड़ा एम, तो स्क्वायर कटेगा तो ये रिलेशन आएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। इक्वल मासेस है, देखो मास तो गैस का इक्वल है, तो ये तो उड़ गया मास, इसको तो देखना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, तो बी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और क्या चीज़ चेंज हो रही है साथ में, मॉलिक्यूलर मास तो चेंज होना ही होना है। तो इस पूरे रिजल्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं होना, आर चेंज नहीं होना, थ्री चेंज नहीं होना, एक कैपिटल एम और एक वॉल्यूम, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन टू मॉलिक्यूलर मास। तो एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, ये रहा, इसमें ए गैस मान लेते हैं नाइट्रोजन और बी कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाली टर्म्स ऊपर नाइट्रोजन नीचे। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 है, 32 नाइट्रोजन का 28 है, और वॉल्यूम की जो रेशियो गिवन है वो डबल गिवन है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से डबल। आंसर प्रेशर की रेशियो आ गई। तो कैसे मासेस के साथ इन्वॉल्वमेंट है समझ में आ रहा है, तो डेंसिटी याद रखना टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, वो गैस का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। ठीक, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा तीन, एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर, मिक्सचर का प्रेशर निकालो। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट गैस लेते हैं P1V इज NRT, यहाँ से पहली गैस का प्रेशर, सेकेंड और थर्ड का, फिर टोटल प्रेशर निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, तो निकाल लेना 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 कैन बी कैलकुलेटेड, तो R पता है, T पता है, और वॉल्यूम पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, CPCV नेक्स्ट लेक्चर का काम है, तब करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर दो चैम्बर्स हैं और जिसमें मासेज M1 M2 ग्राम ऑफ गैस है, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, टोटल मास गैस का M1 M2 है, प्रेशर P1 P2 है, और पुट इन कम्युनिकेशन, दोनों को कम्युनिकेशन में डाल दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, फाइंड कॉमन प्रेशर रीच्ड, कॉमन प्रेशर की वैल्यू बतानी है। मेथड 2 देखेंगे, 1 नहीं देखेंगे यार, 2 आसान मेथड है, गैस की इक्वेशन से सॉल्व हो जाना है। इसके अंदर पहली गैस के लिए P1V1 इज इक्वल टू N1 RT, सेकेंड के लिए P2V2 N2 RT, मिक्सचर के लिए पी मिक्सचर वॉल्यूम V1 + V2 N1 + N2 × R × कॉमन टेम्परेचर T। तो यहाँ से पी मिक्सचर निकालना है, वॉल्यूम V1 यहाँ से निकाल लेना, N1 RT / P1 N2 RT / P2, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लोगे, गैस का मास M1 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास M, M2 / M, सॉल्व करो यहाँ से, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो गैस की इक्वेशन से कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ तक कोई डाउट, तो एक आइडिया क्लियर है कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को करना है। अब आपने काम करना है, ये तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, चलो अब आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट मिली है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50 एंड 51, 50-51 आपका होमवर्क है, पर अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50 ट्राई करते हैं थोड़ी देर, आप प्लीज स्टार्ट करो। शीट नंबर, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50, एक बार प्लीज ट्राई करो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? देखो, जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो गिवन है, आरएमएस स्पीड गिवन है 300 केल्विन पे, कह 600 केल्विन पे जब टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो एनर्जी का क्या होगा और आरएमएस का क्या होगा? तो एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की डबल हो जाएगी, तो ये तो क्लियर है, डबल हो गई एक आंसर। लेकिन जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो अगर 300 केल्विन तो वेलोसिटी 484 है, और अगर 600 केल्विन तो वेलोसिटी वी आरएमएस है, तो इन्हें डिवाइड करके वी आरएमएस कैन बी कैलकुलेट। ठीक है यहां तक? क्या था? तो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर, इफ P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? तो आज हमने किया भी ऐसा कि प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला में आता है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया था आज। हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3 और 2 इधर 3/2P। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर हाफ्ड, स्पीड डबल किया आज आपने, क्वेश्चन सेम है, मास को प्रेशर की रेशियो निकाल लो, सेम क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर, ये नहीं होगा अभी, छोड़ देना है, गामा की फॉर्म में अभी हमने किया नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर फाइव सही है, ऑन एनी प्लैनेट द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर इम्प्लाइज, ये ऑप्शन है कि जो एस्केप फिलोसफी बड़ी है आरएमएस से। क्वेश्चन नंबर सिक्स में करेक्शन करना, पर ग्राम की जगह पर मॉलिक्यूल करो, पर ग्राम की जगह पर मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन है, एट द सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड H2 इज, भाई जब टेम्परेचर सेम है तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी सेम है। जब टेम्परेचर फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, टेम्परेचर डबल हुआ तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी डबल हो गई थी। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन हमने कर लिया, 5/7 टाइम वाला जो सेम क्वेश्चन है, और एट्थ क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव सेम आरएमएस वेलोसिटी एट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127। ऐसा क्वेश्चन भी किया था कि ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर 400, इक्वेट करके आंसर। ठीक,